सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एक और नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और एक और नया वीडियो आप लोगों के लिए फिर से शुरू हो चुका है आज प्रगति मैदान से। और आज यहां पे लगा है, जैसे कि आप देख रहे हैं, IETF 2023, जो कि इंजीनियरिंग लेवल से एग्जीबिशन कहा जाता है। और आप लोग यहां पे आके इनसे जुड़ सकते हैं काइंडली पूरी तरीके से, किसी भी तरीके से। और इनके प्रोडक्ट जो यहां पे लगाए हैं ये आपको मैं शोकेस करा दूंगा। B2B में यहां पे लोग इनसे जुड़ सकते हैं। कंपनी बेस्ड है बॉम्बे और ये सारी बॉम्बे में इनकी मैन्युफैक्चरिंग है। और किस तरीके से आप लोग इनसे जुड़ जाएंगे, इनके प्रोडक्ट शोकेस करते हैं और आप लोग यहाँ पे आके विजिट भी कर सकते हैं। 3 दिन के लिए एग्जीबिशन है, 16, 17, 18 फेब को आप यहाँ पे आके इनसे जुड़ सकते हैं। और कंपनी की पूरी प्रोफाइल दे देते हैं, वेबसाइट, कॉन्टेक्ट नंबर, तो चलिए बात करते हैं। तो हाय सर, कैसे आप? हाय, आई एम शहबाज। गुड, सो एक इंट्रोडक्शन देंगे प्लीज अपना। हाय हाय एवरीवन, मेरा नाम शहबाज मिर्जा है, मैं SBS इनवायरो कंपनी से हूँ। ये कंपनी बॉम्बे बेस्ड कंपनी, हमारा हेड ऑफिस मुंबई में है, ठीक है, और ब्रांच ऑफिस फरीदाबाद एंड देन बड़ौदा ऑफिस है हमारा। ओके, एंड देन वी हैव फैक्ट्री इन अंबरनाथ। हम बेसिकली जो है वेस्ट वाटर के प्रोडक्ट में डील करते हैं, ठीक है। लाइक वी आर सप्लाइंग मेजर की कंपोनेंट्स ऑफ द ETP एंड एप्लीकेशन, ETP एंड SCP पर्पस, एंड वी आर आल्सो डूइंग द प्रोजेक्ट एज वेल एज वी आर प्रोवाइडिंग द टेक्नोलॉजी फॉर द वेस्ट वाटर एप्लीकेशंस। ठीक है, तो काइंड ऑफ देखा जाए तो B2B में पूरा पैन इंडिया कर रहे हैं, ओवरसीज भी कर रहे हैं आप? यस यस, पैन इंडिया पूरा रहता है। अच्छा, पैन इंडिया वी आर सप्लाइंग प्रोडक्ट्स और साथ साथ में पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट भी हम लोग करते हैं। और काइंड ऑफ बात की जाए एक बार प्रोडक्ट रेंज की, तो कितना प्रोडक्ट रेंज आप बना रहे हैं? अगर प्रोडक्ट रेंज की अगर हमारे पास बात करें तो हमारे पास टोटल है 9 to 10 प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें से हमारे 6 to 7 प्रोडक्ट्स जो फोकस्ड प्रोडक्ट्स हैं। ओके, अगर फोकस्ड प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूँ, स्पेशली फॉर द एरेशन पर्पज के लिए, एरेशन पर्पस के लिए मेरे पास एयर डिफ्यूजर है, रियाओ जर्मनी कंपनी का प्रोडक्ट है। और हम लोगों ने ये प्रोडक्ट 2006 से स्टार्ट किया था और आज भी हम उसी प्रोडक्ट के साथ है। तो फाइन बबल में जो ट्यूबुलर डिफ्यूजर या डिस्क डिफ्यूजर है, EPDM सिलिकॉन, दोनों मेटल में हमारे पास अवेलेबल रहते हैं। और सेम एरेशन पर्पस के लिए हमारे पास ये भी प्रोडक्ट है, एक फुक्स एरेटर करके, इट इज अगेन फ्रॉम जर्मनी, जो काम करता है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं प्रोडक्ट रेंज की। चलिए गाइस, आपको मैं प्रोडक्ट शोकेस करा देता हूं और सारे के सारे जो भी आपको वैल्यूएबल लगेगा आप लोग इनसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहे। सो गाइस, ये अपना फुक्स एस्पिरेटर प्रोडक्ट्स है, इट इज फ्रॉम जर्मनी। ये स्पेशली एरेशन पर्पस के लिए यूज होता है। ये स्पेशली अगर देखा जाए तो जो बैक्टीरिया वगैरह रहती है उसके लिए ऑक्सीजन पर्पस के लिए यूज होता है। ये प्रोडक्ट में क्या है, खासियत क्या है, दिस इज मोस्ट मेंटेनेंस एनर्जी एंड मेंटेनेंस फ्री प्रोडक्ट्स। जो भी प्रोडक्ट में स्पेशली अगर आप देखेंगे तो एक शाफ्ट रहता है, एक मोटर रहता है, उसमें जस्ट एटमोस्फेयर एक सक करता है और अंदर इंड्यूस कर देता है। तो ये काफ़ी अच्छा रहता है, इसमें कोई काइंड ऑफ पाइपिंग, ब्लोअर वगैरह नथिंग इज रिक्वायर्ड ये सिस्टम में उसका। तो एटलीस्ट कभी भी अगर आपको 4-5 साल में कुछ अगर मेंटेनेंस ऐसा अगर लगा तो सिर्फ मोटर की बैरिंग ही चेंज करना है, बाकी कुछ चेंज करने की जरूरत इसमें नहीं है। तो काइंड ऑफ का सिंपलेस्ट प्रोडक्ट है। ठीक है, बात की जाए तो मेनली पर्पस ये कमर्शियली यूज कर सकते हैं, इंडस्ट्रियली यूज कर सकते हैं? ये कमर्शियली इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए है। जैसे अगर मैं बात करूँ केमिकल इंडस्ट्रीज, फार्मा इंडस्ट्रीज वगैरह है, डेयरी इंडस्ट्रीज है, जहाँ पे वेस्ट वाटर का यूज ज्यादा होता है प्रोडक्ट बनाने में, और जहाँ पे वेस्ट वाटर जहाँ जनरेट ज्यादा होता है और जिनका केमिकल ऑक्सीजन डिमांड और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड काफी ज्यादा रहता है, उस पर्पज के लिए ये यूज होता है, स्पेशली बायोलॉजिकल सिस्टम के लिए यूज होता है। तो इसको सेटअप करना इतना कोई ऐसा हार्ड तो नहीं है? कोई नहीं, सेटअप करने के लिए 1 डे इज मोर देन सफिशियंट। फीचर्स की बात की जाए तो क्या इसकी मतलब काइंड ऑफ गारंटी या वारंटी किस तरीके से देते हैं हम? वारंटी की अगर मैं बात करूँ तो इसका 1 साल का वारंटी रहता है फ्रॉम द डेट ऑफ द डिस्पैच। बट इसमें मेंटेनेंस जैसा मैं पहले भी बोला हूँ ऐसा कुछ है नहीं है, क्योंकि एक जस्ट टू मेक वन कंप्लीट मशीन, एक पूरा कंप्लीट मशीन बनाने के लिए उसने बहुत ही कम जर्मन कंपनी ने पार्ट्स यूज किया है टू अवॉइड द मेंटेनेंस। इसमें एक शाफ्ट है, मोटर है और 2 FRP हाउसिंग है, नथिंग इज देयर। तो आपको मेंटेनेंस जैसा ऐसा कुछ आएगा नहीं। और इसका ऑक्सीजन ट्रांसफर एफिशिएंसी की बात करूं तो 2.1 kg O2 पर kW है, जो डिजाइन पर्पस के लिए 1.8 kg O2 पे हम डिजाइन करते हैं। सो जो आपको विद ब्लोअर जो एफिशिएंसी मिलती है, हम विदाउट ब्लोअर आपको ऐसे एफिशिएंसी आपको देते हैं। और ये 2 टाइप का इंस्टॉलेशन होता है, एक फिक्स टाइप होता है, एक फ्लोट टाइप होता है। जहाँ टैंक बड़े हैं तो वहाँ पे फ्लोट सिस्टम दे सकते हैं, अगर छोटा स्पेस है या फिर
वॉल पे माउंट करना है तो इट कैन बी डन इजीली। ठीक है, सो गाइज ये अपना वी कॉल इट वॉलूट स्लश डिवॉटिंग सिस्टम। सो ये स्पेशली इट इज मेंट फॉर डिवॉटिंग एप्लीकेशन। जो भी स्लज जो जनरेट होता है प्राइमरी और सेकेंडरी क्लैरिफायर से जो जनरेट होता है उसको फर्दर डिवॉटिंग करने के लिए, जो अगर स्लरी के फॉर्म में रहता है उसको ये डिवॉटिंग एप्लीकेशन के लिए यूज होता है। ये अगर मशीन की मैं फीचर की अगर बात करूँ, इट इज वन ऑफ द मोस्ट एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट एंड वेरी लेस मेंटेनेंस पीरियड प्रोडक्ट्स। सो एनर्जी इसमें देखा जाए तो हार्डली 1 kW और मैक्सिमम 5 kW तक लगता है। अभी ये काम कैसे करता है, like, आपका जो भी प्राइमरी और सेकेंडरी से जो स्लज जनरेट होता है उसको डायरेक्टली हमारे पहले हम फ्लो कंट्रोल टैंक में आएगा, फिर पाइप फ्लॉकुलेटर में आएगा, वहाँ पे हम डोजिंग करते हैं। पॉलीमर का डोजिंग करने के बाद हमारे हार्ट ऑफ द सिस्टम में आएगा। दिस हार्ट ऑफ द सिस्टम अगर आप देखेंगे इट इज मेड इन जापान, दैट कंपनी दिस प्रोडक्ट इज इन्वेंटेड बाय एमकॉन INC जापान। ये वहाँ से पूरा इम्पोर्ट होके आता है और बॉडी वगैरह जो रहता है हम इंडिया में बना लेते हैं। तो होस पाइप के थ्रू हमारे हार्ट ऑफ द सिस्टम में आएगा। दिस इज द कॉल्ड थिकनिंग जोन। यहाँ पे थिकर स्लज को थिकन करेंगे, फिर थिकन स्लज डिवॉटरिंग जोन में जाएगा। ये वी कॉल इट हाई प्रेशर जोन। देयर इट इज मेड ऑफ मल्टीपल रिंग्स टू एंड ये फिक्स रिंग मूविंग रिंग इन साइड देर इज वन स्क्रू इज देयर। तो थिकन स्लज फिर अपना डिवॉटरिंग जोन से अपना आउटलेट में जाएगा जो अपना एंड प्लेट लगा हुआ है। सो फ्रॉम देयर यू विल गेट द फाइन केक। जो अगर आउटपुट की अगर बात करें तो काफ़ी अच्छा रहता है इसका मॉइस्चर जो आउटपुट रहता है। और इसका मिनिमम हमें TSS का जो रिक्वायरमेंट रहता है 0.2% है। अगर मैं साइज की मशीन की बात करूं तो 1 kg 5 kg पर आवर से मैं 1 ton पर आवर आपको मैं मशीन प्रोवाइड कर सकता हूं इन 304 मेटल एज वेल एज 316 ऑल्सो इसमें पूरा रहता है। ठीक है, तो बात कीजिए इसका आउटपुट कितना निकल के आता है। आउटपुट की मैं वही जैसा बताया सर, ये 5 kg पर आवर से लेके 1 ton पर आवर रहता है। अगर मॉइस्चर की अगर आउटपुट की बात करें तो ऑन एवरेज में अगर आप बात करूंगा तो करीब इट विल बी बिटवीन 65-80 के बीच में रहता है। 75 के बीच में मॉइस्चर आउटलेट में रहेगा उसमें। ये दिस इट इज अ पार्ट ऑफ द सिस्टम। ये फ्लॉकुलेशन टाइप, ये पहले जो इफ्लुएंट आएगा जो भी स्लरी आएगा पहले यहाँ पे डोज होगा। सॉलिड एंड लिक्विड को यहाँ पे हम सेपरेट करेंगे, फ्लॉकुलेटेड जो स्लज रहेगा फिर हमारे हार्ट ऑफ द सिस्टम में आएगा। तो ये अपना वॉल्यूट सिलेंडर है उसमें। सो इट बोथ द सिस्टम इट इज ए वन मशीन। ओके, ये पूरा है। बात कीजिए इसकी प्राइसिंग वगैरह तो किस तरह से होने वाली है। प्राइसिंग अगर हम बात करें कि अलग जो टेक्नोलॉजी से मार्केट में डिकेंटर मैकेनिज्म अवेलेबल है, बिल्ड प्रेस अवेलेबल है, फिल्टर प्रेस अगर है तो उससे अगर बात करेंगे तो प्राइस इज अराउंड 30-40% हाई। या फिल्टर प्रेस के बात करें तो इट इज ऑलमोस्ट डबल। इफ इनिशियली अगर आप बात करें तो इसका जो है कैपिटल कॉस्ट मे बी हाई बट द ऑपरेटिंग एंड द डिस्पोजल कॉस्ट विल बी वेरी वेरी लेस एज कम्पेयर टू अदर टेक्नोलॉजी। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़े टाइम पहले बताया कि फुक्स एस्पिरेटर के बारे में बताया कि जो जर्मन का टेक्नोलॉजी है वो आपने जो देखा अभी जो वीडियो जो देखा है दैट इज एक्चुअल नॉट एक्चुअल इट इज डेमो पीस जस्ट फॉर द एग्जीबिशन पर्पज के लिए। बट एक्चुअल अगर मॉडल अगर आप देखेंगे तो ये पूरा सिस्टम है। ये पूरा ये 25 HP का मशीन है। इसमें अगर मैं प्रोडक्ट का 1x1 स्पेयर की अगर मैं बात करूँ, इसमें पार्ट्स कोई बात करूँ तो एक मोटर आ जाता है सीमेंस I3 यूरोपियन प्रोडक्शन का मोटर आ जाता है। एक अंदर जो रहता है सिमलेट शाफ्ट आता है, जो एंड में जो रहता है प्रोपेलर लगा हुआ है, वेल्ड किया हुआ है और दो प्रोटेक्टिंग हाउसिंग है एक करी और एक टेपर्ड कपलिंग है। तो टोटल 5 पार्ट्स इसमें यूज हुए हैं एंड दिस प्रोडक्ट इज 100% इम्पोर्टेड फ्रॉम जर्मनी। अगर हम इंडिया में अगर कुछ करते हैं तो फ्लोट बनाते हैं या फिक्स पे जाते हैं तो ब्रैकेट बनाते हैं, अदरवाइज रेस्ट ऑफ द थिंग मींस मेन हार्ट ऑफ द सिस्टम जो रहता है वो जर्मन से इम्पोर्ट होके आता है। अभी अगर सिस्टम जो मेरा चलता है तो 0.8 meter जो रहेगा डीप रहेगा बट 0.8 सबमर्ज्ड में मेरा इसमें ब्यूटी अगर इस प्रोडक्ट की बात करें तो इसके अंदर कुछ अनवांटेड लाइक स्लीव या सिरामिक स्लीव या नथिंग, मतलब कुछ ऐसा रोटेटिंग आइटम नहीं है जिसकी वजह से आपको कभी भी अगर कुछ अनवांटेड पार्टिकल्स आ जाए जिससे मेंटेनेंस में कोई इशू आए। सो वन ऑफ द मोस्ट एनर्जी एज वेल एज द मोस्ट मेंटेनेंस फ्री प्रोडक्ट है। वी कॉल इट द फुक्स एस्पिरेटर फ्रॉम जर्मनी। तो हम 2018 से इसको इंडिया में हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आज की डेट में हमारा कम से कम 250 से भी ज्यादा इंडिया में इंस्टॉलेशन इसका हो चुका है। ठीक है, इसके मोटर की वारंटी किस तरीके से रखते हैं, मोटर की वारंटी किस तरीके से रखते हैं हम? मोटर की वारंटी है फ्रेंकली स्पीकिंग तो इसका 1 साल का रहता है, सीमेंस I3 का रहता है यूरोपियन प्रोडक्शन का, बट इट इज मच बेटर देन इंडिया फ्रेंकली स्पीकिंग। हमने अभी तक जो 2018 में जो स्टार्टिंग में जो लगा है
एज सच अभी तक कोई इशू नहीं आया है। या अगर मैं बात करूं कहीं मेंटेनेंस की, अगर कहीं इनकेस अगर आया है थोड़ा क्लाइंट की फॉल्ट है, तो फिर मोटर की बैरिंग ही चेंज करना है। तो मेंटेनेंस वाइज अगर ये प्रोडक्ट की अगर बात करें तो नथिंग इज देयर, कुछ आएगा तो 5 साल में आपको मोटर की बैरिंग ही चेंज करना है इसका। लेट्स मूव अनदर प्रोडक्ट, वी कॉल इट द डिफ्यूज एरेंसर सिस्टम, जो कि अगर ये प्रोडक्ट की बात करें तो वी कॉल इट डिफ्यूजर, फाइन बबल डिफ्यूजर, जो कि इसमें अपना एरेशन पर्पस के यूज होता है, ईटीपी और एसटीपी एरेशन टैंक के लिए यूज होता है। हमारे पास अगर रेंज की बात करें तो फाइन बबल में हमारे पास 67x1 मीटर, 67x2 मीटर और 90 ODI 2 मीटर में हमारे पास अवेलेबल है। देन डिस्क डिफ्यूजर में भी कंप्लीट रेंज ऑफ डिफ्यूजर हमारे पास फाइन एंड कोर्स में अवेलेबल रहते हैं, ईपीडीएम और सिलिकॉन मेटल में। तो हमें अगर बात करें तो सभी टाइप ऑफ लिफ्टिंग अरेंजमेंट में अवेलेबल रहता है, जैसे फिक्स सिस्टम हो गया, लिफ्टेबल सिस्टम हो गया, आज की डेट में एडवांस पाइप जो अपना एसएस का ग्रिड रहता है, वो सभी टाइप के हम लोग सिस्टम में एरेशन प्रोवाइड करते हैं सर। ठीक है, तो काइंड ऑफ बात की जाए B2B में कोई कनेक्ट करना चाहे आप लोगों से तो क्या प्रोसेस रहता है उसका, वेबसाइट कॉन्टेक्ट नंबर आप लोग? हमारा आपको आपके जो भी अगर कुछ रिक्वायरमेंट रहे ईटीपी और एसटीपी प्रोडक्ट के लिए, अगर आपके पास कुछ रिक्वायरमेंट है स्पेशली फॉर द प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शरी प्रोसेस के लिए कुछ भी ईटीपी का है, तो प्लीज मुझे कॉन्टेक्ट करें। मेरा नाम शाहबाज मिर्जा है और मेरे कंपनी का नाम SBS इनवायरो है। मेरे कंपनी का वेबसाइट है www.sbsenviro.com और मेरा मोबाइल नंबर है 7506712503। और या आप मुझे मेरे ईमेल के थ्रू भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा ईमेल आईडी है shahbaz@sbsenviro.com। प्लीज़ थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, थैंक यू।